फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स जिसके बिना हम एक मिनट भी नहीं चल सकते दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू सबसे इम्पोर्टेंट जो डेली जैसे अकाउंटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले बिना इसके जैसे ABCD होती है वॉवल्स होते हैं इसी तरह ये समझ लिए इतना इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है फॉर अकाउंटिंग अकाउंटिंग ठीक है डेट इज रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू ओके तो रेवेन्यू होते क्या क्या है हमारे रेवेन्यू होते हैं सेल से यदि हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं कोई यदि हम कोई सर्विस इंडस्ट्री है सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सेल ऑफ सर्विस से ओके उसके अलावा हमारी इनकम होती है इंटरेस्ट से डिविडेंड से रॉयल्टी फीस कमीशन ये सारे चीजें ये सब रेवेन्यू के अंदर आती हैं बेसिकली दो चीज आती हैं सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ये हमारी इंटरेस्ट डिविडेंड रॉयल्टी फीस कमीशन ये आती हैं ये चीजें आती हैं हमारी इसको हम लोग कहते हैं बाय यूज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम यूज ऑफ असेट्स में डाल देते हैं फ्रॉम यूज ऑफ असेट्स ओके इस तरह हमारी जो है टोटल रेवेन्यू आता है क्लियर तो जो कुछ ये हमारा किस किस पे कुछ चीजों पर ये नॉट एप्लीकेबल है ये जो रेवेन्यू आते हैं किस कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ये स्टैंडर्ड लागू नहीं होता हाँ जी जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पर ये लागू नहीं होता उसके लिए अपने को AS 7 में जाना होता है ओके उसके अलावा हायर परचेज लीज पर नहीं होता ये एप्लीकेबल नहीं होता उसके लिए हमको जाना होता है AS 19 में ओके गवर्नमेंट ग्रांट्स के केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता वहां के लिए हमको जाना होता है AS 12 में और ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर लागू नहीं होता उसके लिए हमें IRDA के फ्रेमवर्क में जाना होता है तो इन इन चीजों जो रेवेन्यू रिकग्निशन AS 7 के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो AS 7 के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो हम जो रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में वो AS 9 के हिसाब से ना करके AS 7 के हिसाब से करेंगे हायर परचेज और लीज एग्रीमेंट में जो भी हम रिकग्निशन करते हैं वो AS 9 के हिसाब से ना करके AS 19 के हिसाब से करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स के केस में हम जो रेवेन्यू मिलेगा उसका रिकग्निशन AS 12 के हिसाब से करेंगे और इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें जो भी रेवेन्यू मिलेगा उसका हम जो रिकग्निशन करेंगे वो जो भी उनका IRDA का फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से करेंगे ओके तो ये रेवेन्यू हमने समझा रेवेन्यू ये तो हमने समझा कि गुड्स से आता है सर्विस से आता है इंटरेस्ट यूज ऑफ इंटरेस्ट से आता है रॉयल्टी से आता है
फीस से आता है, ये सारा हमने समझा, रेवेन्यू आता कहां कहां से। ओके, अब हम समझेंगे ये जो रेवेन्यू है ये आता किस किस फॉर्म में। ये रेवेन्यू आता है कैश इनफ्लो, ओके, ये सेल से आता है, ठीक है, सेल गुड्स एंड सर्विसेज की, और कमीशन से आता है, एजेंसी कमीशन में, एजेंसी कमीशन में ग्रॉस आता है, तो ग्रॉस में से जो नेट कमीशन होता है वो रेवेन्यू माना जाता है। ओके, और रेवेन्यू क्या होता है, जो रिसीवेबल्स होते हैं, कैश ना आके यदि हमने उधारी पे माल दिया तो वो भी रेवेन्यू होता है, या किसी और अदर कंसीडरेशंस, एक के बदले दूसरा ऑब्लिगेशन, CASF, कोई अदर एक्सचेंज, उसके बाद में एजेंसी। ये जैसे सेल के कमीशन, इसी तरह एजेंसी कमीशन, इसमें भी कोई ग्रॉस और नेट किया जाता है, ग्रॉस नेट, तो इतनी तरह से हमारे ऊपर आता है रेवेन्यू। ओके, अब ये जो सर्विसेज हैं, ये जो सर्विस हैं, सर्विसेज में जो कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिस तरह हम AS 7 में कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते थे, कंप्लीटेड सर्विस, और पार्टली कंप्लीटेड में प्रोपोर्शनल आता है, प्रोपोर्शनल फॉर पार्ट कंप्लीटेड सर्विस। ओके, तो ये सर्विसेज भी दो तरह की होती हैं। तो प्रोपोर्शनल कंटेंट में हम क्या करते हैं, सर कितना परसेंटेज हुआ, कंप्लीट हुआ, वो परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सेल जो होती है कब, ये हमें देखना है, ये रेवेन्यू हमें रिकॉग्नाइज कब करना है, सेल को कब हम कंप्लीट मानेंगे, सर्विस को कब कंप्लीट मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारे को कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अब हम समझते हैं, व्हेन टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट AS 9 में है, वो है हमें समझना है कि when to recognize, इसको हमें recognize करना कब है। ओके, तो अब हमें समझना है when to recognize। इसको हमें रिकॉग्नाइज करना कब है, वेन टू रिकॉग्नाइज, कब हमें इसको रिकॉग्नाइज कर लेना है, किसके आइटम में। अब आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स का जो रेवेन्यू है वो हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, तो स्टैंडर्ड कहता है जिस समय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, यदि गुड्स की जो प्रॉपर्टी है एज पर प्रॉपर्टी एक्ट, राइट, ट्रांसफर हो जाए। दूसरा, रिस्क एंड रिवार्ड, उस प्रॉपर्टी से रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, डिलीवरी हो या ना हो, डिलीवरी
हो या ना हो, लेकिन इसका रिस्क एंड रिवार्ड कि उससे जो भी फायदा हो ठीक है, वो भी उसका बाहर का, और उससे का यदि कोई रिस्क है तब भी उसकी। ओके ये जो है इस केस में सेल ऑफ गुड्स में रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, है ना, ड्यूली हो या ना हो, और कोई नो फर्दर ऑब्लिगेशन। कोई सेलर की कोई ऑब्लिगेशन ना हो तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो ये हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स। अब ये तो नॉर्मल हो गई। अब सेल होती है सेल अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। कोई चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पहले हमें बुकिंग करानी पड़ती है। होंडा अमेज की बुकिंग चल रही है 3 3 4 4 महीने की। ओके हमें भी जो गाड़ी निकलवानी पड़ी तो वो पर्सनल मैनेजर से और कंपनी के डायरेक्टर से सिफारिश करके ही होंडा मेरी गाड़ी निकली। तो अब ये सेल अगेंस्ट एडवांस पेमेंट है, तो ये इसका हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? आज मान लो हमने पूरा का पूरा एडवांस हमको कोई सी ने दे दिया, तो कब रिकॉग्नाइज करना है? 5 लाख एडवांस दे के, अभी माल है ही नहीं, बना ही नहीं, तो आज ही हम उसको एडवांस दिखाएं या उसको सेल दिखा दें? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज का मतलब तो सेल दिखाना, अदरवाइज एडवांस तो लायबिलिटी हुई। हाँ जी, तो कब दिखाएंगे? जिस दिन या तो वो यूनिट कार मैन्युफैक्चर हो जाए, मैन्युफैक्चर आइडेंटिफाई हो जाए कि ये वाला उसका माल है। ओके और गुड्स इज रेडी फॉर डिलीवरी। ये नहीं है जो भी एडवांस आया वही हमने सेल दिखा दिया। मैन्युफैक्चर हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए कि ये उस पार्टी की है, उस एडवांस की अगेंस्ट है, और रेडी फॉर डिलीवरी हो, तब उसको हम मानेंगे कि ये रेवेन्यू हो गया। अब तीसरी चीज होती है डिलेड डिलीवरी। हमारे को एडवांस भी मिल गया, हमने बिल भी बना दिया, बिल एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन अभी हम माल दे नहीं पा रहे, माल कहीं से आना है डिलीवरी, तो ये हम डिलेड डिलीवरी के बाद भी रेवेन्यू एक्सेप्ट बिल हो जाने के बावजूद भी, जब तक, तो जब तक रिस्क एंड रिवार्ड हमें देखना पड़ेगा, जब तक रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर नहीं होता तब तक हम रेवेन्यू, तो वी हैव टू एनालाइज कि वेदर इन दिस केस रिस्क एंड रिवार्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड और नॉट। यदि ट्रांसफर हो गया तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ओके अब आता है एक बार्टर। बार्टर समझते हो? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 18 में दिया हुआ है, यानी एक्सचेंज ऑफ असेट्स विद एन अदर असेट्स और स्वैप एक्सचेंज ऑफ असेट्स और स्वैपिंग ऑफ द असेट्स। ठीक है,
अब ये जो एक्सचेंज होगा इसके लिए क्या कहता है हमारा स्टैंडर्ड, यदि ये सिमिलर गुड्स है एक जैसा ही गुड्स है या एक जैसी सर्विस है तो दोनों सेम वैल्यू की है सेम तरह के असेट्स हैं तो हम क्या करेंगे नो रिकॉर्ड, हम केवल स्वैप कर लेंगे असेट्स को है ना, कोई रिवेन्यू कोई एंट्री नहीं डालेंगे। लेकिन इफ डिसिमिलर गुड डिसिमिलर गुड्स है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जो रिवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज करेंगे किस चीज का रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जो असेट की जो फेयर वैल्यू होगी जो असेट हमें मिलने वाली है। बार्टर के केस में फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स टू बी रिसीव्ड, तो पहले हम इसको निकालेंगे, इफ इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल तब हम क्या करेंगे, देन रिवेन्यू जो असेट्स गिवन है उसके हिसाब से हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, सिमिलर गुड्स से कोई एंट्री नहीं करेंगे, स्वैप कर लेंगे एक असेट के बदले दूसरा। ओके, समझ में आया, दोनों की हम फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। ये समझिए भाई, बेसिकली मान लो एक होटल बन रहा है 5 स्टार, उसका इंटीरियर डिजाइनर आया, उसने इंटीरियर में कहा कि भाई हमारी फीस होगी 5 लाख होगी, होटल वाले ने कहा भाई पैसे तो सारे खत्म हो गए, आप इंटीरियर कर लिए 5 लाख रुपए, ठीक है हमारे रूम रेंट का रूम रेंट है 10,000 रुपीज, आपको 50 डेज का हम आपको रूम देते हैं, आप जब चाहे तब यूज कीजिए या किसी दूसरे आपके रिलेटिव फ्रेंड्स यूज कर सकते हैं। अब ये जो 5 लाख के बदले 5 लाख एक्सचेंज हुआ, सर्विस के बदले सर्विस, ये डिसिमिलर थी, ये दोनों सर्विसेज डिसिमिलर थी, तो उस केस के अंदर फेयर वैल्यू निकालेगा कि भाई वो डिस्काउंट काट के कितना फेयर वैल्यू होती है हमारी फीस की और कितना होटल की होती है, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा भाई 50,000 रुपये 5 लाख के बदले आप ऐसा करिए कि हम आपको 50 दिन रहने के लिए दे देते हैं। ओके, 50 दिन की वो वैल्यू निकालता है कि भाई 50 दिन के 10,000 रुपये के हिसाब से, लेकिन ये 10% डिस्काउंट पर दे रहे हैं अभी है ना, तो हमारे हिसाब से 900 के हिसाब से उस 4.5 लाख रुपए ही हुई, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा 4.5 लाख रुपए, ठीक है 4,50,000, तो पहले रिसीव्ड वाली। लेकिन जो होटल कंपनी होगी, होटल कंपनी को क्या मिल रहा है, 5 लाख रुपीज फीस मिल रही है, फीस की बचत हो रही है, वो सर्विसेज मिल रही है, तो ही विल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द रूम 5 लाख रुपीज। ओके, तो ये हमने समझा बार्टर का केस। ओके, यानी असेट के बदले असेट्स। ओके, अब आती है एक डिलीवरी सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कुछ कंडीशंस लगी हुई तो होती है। एक होती है कि भाई आपको
मशीन लेते हैं, इंस्टॉलेशन करके जाना है, इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन करके जाना है। ओके, और कंडीशन हो सकती है कि भाई जब अप्रूवल होगी टेक्निकल टीम तब आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब मान लो इंस्टॉलेशन एंड इंस्पेक्शन है, यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है इंस्टॉलेशन है, लेकिन यदि सिंपल इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन इज सिंपल लाइक टीवी है, फ्रिज है, तब तो हम इमीडिएटली कर लेंगे, रेवेन्यू जैसे ही डिलीवरी होगी इमीडिएटली ऑन डिलीवरी। लेकिन अगर कोई टेक्निकल मशीन है तो हम ऑन कंप्लीशन ऑफ इंस्टॉलेशन। ओके, अब यदि अप्रूवल बेसिस पे गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पे, भाई आप गए दुकान पर, भाई ये जींस देखनी है, उसने कहा भैया ले जाओ जो पसंद आया रख लेना, वापस वापस भेज देना। आपने चैप्टर ही पढ़ा होगा सीपीटी में, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो अप्रूवल बेसिस में कब रिकॉग्नाइज करते हैं, या तो ऑन अप्रूवल या फिर ऑन एक्सपायरी ऑफ एक्सपायरी ऑफ टाइम फॉर रिजेक्शन। टाइम दिया था भाई 2-1, यदि आपको पसंद नहीं आया तो 1 महीने में वापस भेज देना। या थर्ड केस में इफ नो सच टाइम स्पेसिफाइड, तब क्या होगा, तब हम रीजनेबल टाइम में वापस कर दो। तब हम क्या करेंगे रीजनेबल टाइम के अंदर, हाँ जी इन दैट केस रीजनेबल टाइम के अंदर। हाँ जी, अब कुछ केस ऐसे होते हैं कि कई बार हम गुड्स गारंटी पे देते हैं, गारंटी पे देते हैं गुड्स, सारा बोल रहे 100% रिप्लेसमेंट गारंटी। हाँ, गुड्स सोल्ड ऑन 100% रिप्लेसमेंट गारंटी फॉर अनलिमिटेड पीरियड या फॉर 5 years, 3 years। तो भाई क्या करेंगे, ये तो कभी भी वापस आ सकता है, तो हम इंतजार करेंगे 4-5 साल का या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे रेवेन्यू को, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड मेक सूटेबल प्रोविजंस एज पर पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सूटेबल प्रोविजंस बना देते हैं। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसमें कब रेवेन्यू लेंगे, कंसाइनी के पास से नहीं, जब वो कंसाइनी के पास से, जिस दिन थर्ड पार्टी के पास चला जाता है, थर्ड पार्टी को सेल हो जाता है, उस दिन हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यदि गुड्स सोल्ड किया कैश ऑन डिलीवरी, जैसे एमवे ईबे वगैरह पे आजकल हो रहा है, ठीक है, तो माल भेजा कैश ऑन डिलीवरी, तो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे
on receipt of cash. जब cash receive हो जाएगा तब हम recognize कर देंगे. Okay. अब हम इंस्टॉलमेंट पे भेजते हैं. इंस्टॉलमेंट भी दो तरह की होती है. एक इंस्टॉलमेंट तो होती है कि डिलीवरी आफ्टर फुल पेमेंट, और एक होती है डिलीवरी इमीडिएट एंड रिसीव्ड इंस्टॉलमेंट. फिर इंस्टॉलमेंट हम रिसीव करते हैं पार्ट पेमेंट. जब डिलीवरी आफ्टर फुल पेमेंट होगी तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? आफ्टर फुल पेमेंट. इस केस में हम प्रोपोर्शनेट रिकॉग्नाइज कर लेंगे. यहां क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेट अब एक होती है हम सेल करते हैं सेल एंड बाई बैक अरेंजमेंट. सेल एंड बाई बैक हम सेल करते हैं साथ में अरेंजमेंट होता है कि भाई ले जाइए यदि कोई प्रॉब्लम हो हम बाई बैक कर लेंगे. यदि सेल एंड बाई बैक अरेंजमेंट होगा तो हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब करेंगे जब हमको लगेगा पॉसिबिलिटी of buyback is removed. ठीक है. probability of buyback is removed यानी वो रख लेगा, अदरवाइज हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. अब सेल टू इंटरमीडिएट पार्टी, हमने अपने एजेंट को, होलसेलर को, फ्रेंचाइज को, कोई किसी को भी माल सेल किया तो हम यदि रिस्क एंड रिटर्न ट्रांसफर हो गया तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज कंसाइनमेंट सेल की तरह इसको डील करेंगे एज पर जैसे हम कंसाइनमेंट सेल को डील करते हैं. ओके. अब एक सब्सक्रिप्शन टू पब्लिकेशन होता है. पूरे साल के हमें 1200 रुपए भेजने और हमको हर मंथ जर्नल आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, इस एसएलएम बेसिस पे हर महीने जैसा जैसा डिलीवरी करते जाएंगे उस प्रोपोर्शन में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएंगे. ठीक है. सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी तो जिस दिन रजिस्ट्री हो गई, पैसा ट्रांसफर हो गया, मनी एंड पैसेंजर ट्रांसफर हो गया उस दिन हम ट्रांसफर कर देंगे. इवन इफ सर्टेन फॉर्मेलिटी सर्टेन अप्रूवल रह गई हो लेकिन रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट अभी मिला नहीं है लेकिन पैसा ट्रांसफर हो गया, डॉक्यूमेंट साइन हो गए तो देयर इज अ सर्टेनिटी, तो इस केस में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे. ओके.
आपको मैंने बहुत सारे तरह तरह के एग्जाम्पल्स दिए, इसी तरह ES9 इतना इम्पोर्टेंट है, इस पे कभी ऑडिटिंग में कभी अकाउंटिंग में है ना क्वेश्चंस आई जाता है और इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं, कई क्लासेज केवल ES9 पे हो सकती हैं, लेकिन मैंने काफी केसेज एग्जाम्पलरी आपको दिए। आप और प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क एट 9810425103 और यू कैन ईमेल एट ध्रुव@yahoo.com। थैंक यू वेरी मच।